चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। राजस्थान राज्य के सीकर जनपद में जिला मुख्यालय सीकर से उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा शेखावाटी अंचल का अवैध दुर्ग, ऐतिहासिक शहर लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ शहर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं शहर के डांकणियों के मंदिर स्थित चौराहे से। डांकणियों का मंदिर चौराहा शहर का केंद्र बिंदु है। यहां से पूर्व में मुकुंदगढ़ मार्ग एवं पश्चिम में सड़क मोहल्ला बिसायतियान की ओर, उत्तर में कोर्ट रोड एवं दक्षिण में सड़क मुख्य बाजार में प्रवेश करती है। लक्ष्मणगढ़ के इस बाजार को सेठों का बाजार के रूप में जाना जाता है। अनेकों व्यापारिक प्रतिष्ठानों से गुजरते हुए सड़क कुछ ही दूरी पर स्थित चौपड़ मंदिर स्थित चौराहे पर पहुंचती है। यह चौराहा शहर का व्यापारिक केंद्र बिंदु है। यहां से पूर्व में नवलगढ़ मार्ग एवं पश्चिम की ओर का मार्ग कुछ ही दूरी पर स्थित शहर के ऐतिहासिक लक्ष्मणगढ़ दुर्ग से जोड़ता है। इस दुर्ग का निर्माण सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा 1805 में कराया गया। उन्हीं के नाम पर शहर का नाम लक्ष्मणगढ़ पड़ा। दुर्ग के ठीक नीचे पुराना बस अड्डा स्थित है। यहां से सीकर, फतेहपुर, झुंझुनू आदि को बस सेवाएं उपलब्ध हैं। चौपड़ मंदिर चौराहा से दक्षिण की ओर मुख्य बाजार घंटाघर की ओर बढ़ जाता है। दोनों ओर बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान दिखाई पड़ते हैं। कुछ ही दूरी पर सड़क एक और व्यस्त चौराहे घंटाघर पर पहुंचती है। घंटाघर शहर के ऐतिहासिक स्मारकों में सम्मिलित होता है। यहां सदैव भीड़भाड़ बनी रहती है। घंटाघर से पूर्व में रामलीला मैदान की ओर जाने वाला मार्ग एवं पश्चिम में ईदगाह मार्ग स्थित है। दक्षिण की ओर सड़क शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओर सीकर मार्ग के रूप में बढ़ जाती है। शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सीकर मार्ग से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मणगढ़ शहर एवं शहर में समा चुकी ग्राम पंचायतों को जोड़कर लक्ष्मणगढ़ शहर में वर्तमान में लगभग 61,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से सीकर जनपद में सीकर एवं फतेहपुर शेखावाटी के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सीकर रोड दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़कर सीकर की ओर प्रस्थान कर जाती है। डांकणियों के मंदिर से उत्तर में जाने वाला कोर्ट रोड शहर की महत्वपूर्ण सड़कों में सम्मिलित होता है। कोर्ट रोड मुख्य बाजार क्षेत्र को कचहरी होकर फतेहपुर शेखावाटी मुख्य राजमार्ग से जोड़ता है। इसी मार्ग पर तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय एवं अपर जिला न्यायालय आदि का परिसर स्थित है। डांकणियों के मंदिर से पूर्व में जाने वाला मार्ग मुकुंदगढ़ मार्ग के रूप में जाना जाता है। शहर का एक बड़ा हिस्सा इस मार्ग से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मणगढ़ शहर व्यापारिक दृष्टिकोण से सीकर जनपद में विशिष्ट पहचान रखता है। शहर की स्थापना से देश की स्वतंत्रता तक यह जयपुर राज्य का भाग रहा। देश की आजादी के पश्चात यह राजस्थान राज्य का हिस्सा बना एवं सीकर जनपद में जोड़ दिया गया। मुकुंदगढ़ मार्ग रघुनाथ बालिका विद्यालय से होकर मुकुंदगढ़ की ओर प्रस्थान कर जाता है। मुकुंदगढ़ मार्ग से उत्तर की ओर लक्ष्मणगढ़ का रेलवे स्टेशन का परिसर स्थित है। लक्ष्मणगढ़ से होकर चूरू सीकर रेल मार्ग गुजरता है। यहां से चूरू, सीकर, जयपुर आदि को रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने पश्चिम की ओर रेलवे स्टेशन मार्ग के रूप में जाने वाली सड़क रेलवे स्टेशन परिसर को कोर्ट रोड से जोड़ती है। लक्ष्मणगढ़ राजस्थान राज्य के 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। यहाँ के स्थानीय निवासी सीकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते हैं। डांकड़ियों के मंदिर से पश्चिम की ओर मोहल्ला बिसायतियान की ओर जाने वाला मार्ग भी शहर के मुख्य मार्गों में एक है। यह सड़क जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से होते हुए पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास पर जुड़ जाती है। पुराना बस स्टैंड से पश्चिम में प्रारंभ होने वाला तोदी कॉलेज रोड भी शहर के व्यस्त मार्गों में सम्मिलित किया जाता है। यह सड़क बाजार क्षेत्र को बाईपास स्थित सादासर चौराहे के निकट जोड़ती है। तोदी कॉलेज मार्ग तेजी से व्यापारिक बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। इसी मार्ग पर शहर का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान श्री भगवान दास तोदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का परिसर भी स्थित है।
बाजार स्थित चौपड़ मंदिर से पूर्व की ओर प्रारंभ होने वाला मार्ग नवलगढ़ मार्ग के रूप में जाना जाता है। यह सड़क कबूतरिया कुआं से होते हुए नवलगढ़ की ओर प्रस्थान कर जाती है। लक्ष्मणगढ़ जैसे ऐतिहासिक शहर में आना एवं इसे कैमरे में संजोना एक यादगार अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। लक्ष्मणगढ़ पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो लक्ष्मणगढ़ शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।